आस्था ने दोनों अपने पास ही रख लिए, कह रहे कि मैंने कि तुम्हें देने ही नहीं, ये इन्होंने अपने पास रख लिए, कह रहे भाई मैं दोनों मैं ही पीऊंगी, तुमने नहीं पीना। दोस्तों ये बहुत सच में बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है और बहुत मजा आ रहा है इसको इसके साथ खा के। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था, हम लोग शेक पिक ले रहे थे, बट स्टिल दोस्तों। और ये जो मैगी है ना, ये तो सुपर टेस्टी है, मेरे मुंह में पानी आ रहा, बार बार मैं खा नहीं पा रही हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे फूड ट्राई किया, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, आप लोग भी यहाँ पर जरूर आइएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं है तो आप सब जानते हैं ना, मेरी वीडियो देखकर बहुत अच्छी होने वाली है। तो आज मैं आप सबको एक्सपीरियंस कराने लेके आई हूँ मैगी अड्डा, जो कि यमुनानगर में है। और मुझे बहुत लोगों ने रेकमेंड किया कि आप यहाँ पर यहाँ का फूड ट्राई कीजिए, तो मैंने सोचा आज मैं फ्री भी थी तो क्यों ना यहाँ पर जो है मैं आऊँ। जैसे इनका नाम बहुत कूल है ना, मैगी अड्डा, तो देखते हैं यहाँ के फूड में क्या क्या हमें मिलेगा। दो मिनट की मैगी के अलावा इनके पास डिफरेंट टाइप की मैगी मिलेगी हमें, जो कि मैंने सुना है। तो इनके मेन्यू में हम लोग देखते हैं कि मैगी के अलावा भी हमें और कुछ मिलेगा या हमें मैगी ही खानी पड़ेगी, और वैसे भी मैं मैगी लवर हूँ दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, आपको पूरा एक्सपीरियंस करवाते हैं। पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मेक श्योर कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। मिल गया हमारे खाने के लिए, और तो हमने ऑर्डर किए यहाँ की मटका मैगी, तंदूरी मटका मैगी मैंने ऑर्डर की है, और हस्बैंड ने ऑर्डर किया अपने लिए बहुत अलग सा नाम है, पिज्जा आला डिवोला। तो हस्बैंड ने अपने लिए ऑर्डर किया है पिज्जा आला डिवोला, और इनको वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है इनको डिफरेंट डिफरेंट चाय टाइप की जो है चीजें पसंद आती हैं। तो दोस्तों और साथ में हमने शेक में ऑर्डर किया है, मैंने स्ट्रॉबेरी शेक और हस्बैंड ने अपने लिए किया है किटकैट शेक। तो दोस्तों देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का। तो दोस्तों जब तक हमारी कुल्लड मैगी और पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है, तब तक हम हमारी यहाँ पर बातचीत चल रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मैं बोल रही हूँ कि हमारी अगली डेस्टिनेशन क्या होगी। तो हस्बैंड कह रहे हैं पहले ये मत सोच, ये सोच कि हम दोनों में से कौन कौन क्या खाएगा। तो बस हमारा यही सब चल रहा था, और देख सकते हैं हमारी किटकैट शेक और स्ट्रॉबेरी शेक आ चुके हैं, जो कि बहुत बहुत यम्मी लग रहा है, और पिज़्ज़ा वाज सो गुड, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है देख सकते हैं, और कुल्लड मैगी तो ओहो जस्ट अमेजिंग। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये पिज़्ज़ा आला डबोला आ चुका है, और साथ में मेरी मटका मैगी जो कि बहुत ही यम्मी लग रही है, और साथ में किटकैट शेक और स्ट्रॉबेरी शेक जो है वो भी रेडी है। तो बस इंतजार है तो हमारे खाने का, और बस आपको ट्राई करके बताते हैं कि कैसा है यहाँ का फूड। यम्मी, बहुत ही चीज़ी है, और जिनको चीज पसंद है उनके लिए तो बढ़िया ही है। दोस्तों मैं तंदूरी मटका मैगी की बात करूँ ना, मैं जो कि बहुत ही सच में कह रही हूँ, सो ट्रू है, तो कि ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको खा के ना। मतलब मैंने, आप लोग जब यहाँ पे आएंगे ना, आपने ऐसी मैगी खाई नहीं होगी, और आप मेरी बात को याद करेंगे कि ये सीरियसली बहुत ही ज़्यादा यम्मी, सुपर यम्मी है, और यहाँ की शेक भी बहुत सुपर टेस्टी है। तो हम लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, अभी हस्बैंड का भी रिव्यू देंगे, रिव्यू लेंगे कि उनको कैसा लगा। इसको ऐसे खाते हैं,
हाँ तुमने अपना बनाया स्टाइल का। तो ये है खट्टा मीठा मसाला सोडा जो कि हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री है और जो कि हमें बहुत सुपर डिलीशियस लगा दोस्तों, बहुत ही यम्मी है और एकदम रिफ्रेशिंग है। तो मुझे तो जो ये शेक्स है ना इनको भी इसने फेल कर दिया, बहुत यम्मी बहुत। जो लोग भी आए हमारी वीडियो देखकर यहाँ पर तो इसको जरूर ट्राई करना, आप लोग मेरी वीडियो को मुझे जरूर याद करोगे और कमेंट करके जरूर बताना किस किस ने ये ट्राई किया। तो बहुत सारी ड्रिंक्स हो गई है तो अब लोग हम लोग सोच रहे हैं तो अब हम लोग जरा ट्राई कर ले और जल्दी जल्दी खा ले। तो अब हस्बैंड का रिव्यू ले लेते हैं दोस्तों कि उनको कैसा लगा। ये देखिए दोस्तों कैसी चीज है और ये सच में बहुत ज्यादा हॉट है, एकदम गर्मा गर्म है। और लेट्स ट्राई। सच बताऊं तो ये मैगी नहीं रख रही, ये तो मैगी से भी ऊपर है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ वो होता है ना पास्ता टाइप, कुछ ऐसा टेस्ट आ रहा है, पास्ता की तरह टेस्ट आ रहा है। मतलब डिफाइन नहीं कर सकते उसका टेस्ट कैसा है पर वो सुपर टेस्टी है, सुपर टेस्टी। मुझे पता है आज तो मुझे ज्यादा खाने नहीं देगी इसलिए मैं अभी मौका मिल रहा, मैं अभी खा रहा हूँ। इतना मुझे खा गया नहीं। मस्ट ट्राई, जरूर खाना। तो 2 मिनट में मैगी तो सभी खाते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम और लगाओ और मैगी को और टेस्टी बनाओ, जो कि ऐसी टेस्टी बन जाए जो कि इन्होंने किया है मैगी अड्डा वालों ने काम। तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा ये खाने के लिए। ये खाने के लिए वैसे कहीं और नहीं जाना, आइए आपको जो इनकी लोकेशन है वो पिनअप कर देंगे हम। बट कमाल है यार, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा लेकिन मैं ज़्यादा खाऊँगा ज़रूर। तो जो हमारी मसाला सोडा जो आया था ना, ये आस्था ने दोनों अपने पास ही रख लिए, कह रहे कि मैंने कि तुम्हें देने ही नहीं, नहीं ये इन्होंने अपने पास रख लिए, कह रहे भाई मैं दोनों मैं ही पीऊंगी तुमने नहीं पीना। दोस्तों ये बहुत सच में बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है और बहुत मजा आ रहा है इसको इसके साथ खा के। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था, हम लोग शेक पिक ले रहे थे बट स्टिल दोस्तों। और ये जो मैगी है ना ये तो सुपर टेस्टी है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बार बार मैं खा नहीं पा रही हूँ। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, आप लोग भी यहाँ पर जरूर आइएगा और ट्राई कीजिएगा यहाँ का फूड जो कि सुपर टेस्टी है, और कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो का एंड यही कर रही हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।